वालेकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी मेजर गौरव आर्या की, और वो बात कर रहे हैं आज जो अफगान को निकाला जा रहा है यहाँ से, उस पर बात कर रहे हैं और बहुत सारी और चीजों पर। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे हम तो न्यूक्लियर। जैसे पाकिस्तान का रेड़ी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है हम न्यूक्लियर पावर हैं। क्रिकेटर भी बोलता है, कोई कहता है कि इंडियंस के पास रूहानी बल्ला है, कोई कहता है पंडितों ने मंत्र मार दिया पिच के अंदर, कोई इतना बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाबी। इनकी जबान जो है ना इतनी लंबी है भाई, जमीन पे ना ये पोछा लगा। पाकिस्तान की अचीवमेंट्स वर्ल्ड स्टेज में 76 साल हो गए उस मुल्क को, जीरो जीरो प्लस जीरो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान ने ना ले लिया बहुत बड़ा पंगा। मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन मैंने बोला नहीं यार, फैमिली ऑडियंस है, इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ले लिया बहुत बड़ा पंगा। क्या पंगा लिया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने बोला कि जो 1.5-2 मिलियन यानी कि 10-15-20 लाख जितने भी अफगान रेफ्यूजीज हैं पाकिस्तान के अंदर आ रखे हैं, उन सबको निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजो। हबीबी, हुक्म तो तुमने दे दिया लेकिन तामील कैसे होती, ये सोचने वाली बात होती है। बोल तो दिया तुमने, अच्छा ये बात अलग है, ये मैं बाद में डील करूंगा दोस्तों। कैसे आए, कई बार बता भी चुका हूं आपको, आखिर अफगान पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं? नेबरिंग कंट्री है, जाहिर सी बात है, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आए क्यों यहां पे? इसके पीछे भी कारण है, और इसके पीछे भी पाकिस्तान की फौज की लालच है जिसने पैसे पकड़ के अफगानिस्तान में खून खराबा करवाया। खैर ये तो पुराने इतिहास की बातें, लेकिन अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान को मची खुजली। ये खुजली क्यों मची? ये खुजली दोस्तों इसलिए मची क्योंकि वो अफगानों को वहां पर रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से मिलते थे खजूर, लॉट्स ऑफ खजूर पाकिस्तान को मिलते थे, डॉलरों के रूप में मिलते थे भाई, कई कई डॉलर इनको मिलते थे, वो डॉलर हो गए बंद, ठीक है जी। और ऊपर से अमेरिका बहादुर बैठे थे अफगानिस्तान में 20 साल से, अमेरिका का जितना भी सामान आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द पूरा लैंड मास है, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं अफगानिस्तान के लिए, ईरान से इनकी बनती नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, पाकिस्तान एज यूजुअल। तो हर रोज पाकिस्तान में शिपमेंट आती थी दोस्तों कराची पोर्ट पे, गोला बारूद, हथियार, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सब दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान को बड़े अरबों डॉलर मिले इस चीज के, कोएलिशन फंड से बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा मिला। पाकिस्तानी जर्नलों ने अपने महल बनाए लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, सिडनी में, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पाकिस्तानी जर्नलों के बड़े बड़े महल ना हो, बड़े बड़े घर ना हो, कंपनियां ना हो, ठीक है जी। हो गया काम। अब एक दिन अमेरिका बहादुर ने बोला कि यार अब मूड नहीं है हमारा, हम जा रहे हैं दोहा में अकॉर्ड साइन करें, कतर की कैपिटल दोहा, वहां पे अकॉर्ड साइन करें तालिबान के साथ। तालिबान को बोला हबीबी तुम्हारा मुल्क तुम संभालती, अमेरिकन बैठे जहाज में फुर। अब अमेरिकन जब हो गए फुर तो फिर पाकिस्तान को पैसा क्यों देते? पाकिस्तान में पैसे की हो गई किल्लत। वो जो अफगान थे दोस्तों, जो कल तक इनके मुसलमान भाई थे, वो जो अफगान थे जिनकी पीठ पे बैठ के इमरान खान ने यह बोला था कि तालिबान के काबुल जाने से अफगानों को जहनी आजादी मिल गई है, अब ये लोग आजाद हो गए हैं अमेरिका से, ये सब जो बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, सबसे बड़ा फेंकू वही है, इसने बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले, बड़े शादियां ने बजाए, बहुत जश्न मनाया, मिठाइयां शिठाइयां बांटी कि अब साढ़े मुसलमान प्रा आ गए हैं काबुल में। अब तो मुसलमान पुराने मार मार के एक तो इनका सुअर बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी हो गए परेशान, क्योंकि इनके मुसलमान पराजो थे वहां पे तालिबान वाले, वो उनको मार रहे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हैं, या फिर बलोचों के साथ इनका टाई अप हो गया है TTP का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया, इनकी हो रही सुतैया रोज। और दोस्तों इतनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में, इतनी लाशें गिरी पाकिस्तानियों को परेशान।
पाकिस्तानियों का यह कहना है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है जिसको मैं लाहौरी कहता हूं ना, लाहौरी इज अ जेनरिक टर्म विच एनकम्पासेस द एंटायर पाकिस्तानी पंजाबी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। लाहौरी का एक माइंडसेट है कि यार जब तक डॉलर आ रहे हैं तब तक लाशें गिरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि यार लाशें भी गिरे और डॉलर भी ना आए, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तानी पंजाबीज आर वेरी हैप्पी टू सेल देयर ओन पीपल, दे आर वेरी हैप्पी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेथ ऑफ पाकिस्तानीज एज लॉन्ग एज दे आर गेटिंग डॉलर्स। अच्छा दोस्तों, डॉलर हो गई बंद, जब डॉलर आना हो गया बंद, तो वो जो पाकिस्तानी थे जो ये कह रहे थे कि जितने भी अफगान हैं, मुहाजरीन हैं जो आए हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने उनको पनाह दी है, इस्लाम हमारा मजहब है, इस्लाम उनका भी मजहब है, ये सब जो गाने गा रहे थे, वो उसने बोला साफ सीधा, पाकिस्तानी पंजाबी ने हाथ खड़ा कर दिया, लाहौरी ने हाथ खड़ा कर दिया। लाहौरी ने बोला था कौन सा मुसलमान, हम तो आपको जानते नहीं, चलो यहां से निकलो, निकलो आउट। इस पे अफगान तालिबान ने गुस्सा होकर धमकी दे दी। अब यहां से हमारा वीडियो दोस्तों होता है शुरू, प्रारंभ हमारे वीडियो का। तो ये देखिए साहब, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान का, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद नाम ही इसका खतरनाक है, मुजाहिद नाम में ही मुजाहिद है इसका। इसने पाकिस्तान से बोला कि यूनिलैटरल एक्शन, यानी कि खुद ही अपने आप से, बायलैटरल होता है जिसमें दो लोग होते हैं, यूनिलैटरल मतलब सिंगल, तो बोला कि साहब ऐसे यूनिलैटरल एक्शन तुम लोग मत लिया करो यार, ये गलत चीज है बहुत, और हम इस चीज को कंडेम करते हैं। उन्होंने एक और बात बोली, द पाकिस्तानी रेजीम शुड थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट एवर इट इज डूइंग, जो आप कर रहे हो ना पाकिस्तानी, जो आप कर रहे हो, ये कह रहा है कि भाई इसके रिपरकशन क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, आपने सोचा है, सोच लेना और कई बार सोच लेना, क्योंकि इसके नतीजे जो है ना वो अच्छे तो नहीं होंगे, बुरे ही होंगे। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली है, तीसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि उतना ही बो, जमीन में धान बोते हैं, फसल बोते हैं ना दोस्तों, तो कह रहे हैं उतना ही बो जितना काट सकते हो, इतना मत बो देना कि काट ना पाओ, बवाल कट जाए उल्टा। तो ये अफगानिस्तान की धमकी थी। पाकिस्तान ने बोला ये तो पागल हैं, बोलते रहते हैं, ये काबुल वाबुल में रह रहे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो न्यूक्लियर, जैसे पाकिस्तान का रेड़ी वाला भी होगा ना जो फल बेचता है, वो भी कहता है हम न्यूक्लियर पावर हैं, क्रिकेटर भी बोलता है न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर के चक्कर में इन्होंने टाल दी अफगानिस्तान की बात। और अफगान जो मुहाजरीन रह रहे थे वहां पे, रेफ्यूजीज रह रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर मारना, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करना, ये सब। अब तालिबान ने तो धमकी दे दी, अब पाकिस्तान में अचानक तीन चीजें हुई दोस्तों, तीन वाक्य हुए 24 घंटे के अंदर। अब मैं एक एक करके तीनों वाक्य आपको समझाता हूं कि जब तालिबान ने धमकी दी, जब और देश धमकी देते हैं उसका क्या मतलब है, जब तालिबान धमकी देता है उसका क्या मतलब है, ठीक है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों, ठीक है। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, यानी कि कल रात की बात है, लेकिन हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अर्ली इवनिंग में इसको, पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली में सुसाइड अटैक हो गया, ठीक है। मियांवाली पाकिस्तानी पंजाब में है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक इसलिए है क्योंकि पंजाब में देखिए खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो जाता है, बलूचिस्तान में अटैक हो जाता है, वहां पे लोग मर जाते हैं दर्जनों, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अटैक होता है बिल्कुल पंजाब के अंदर, तब जाके लोगों की रूहें कांप जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक नॉर्मल पाकिस्तानी, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, कोई भी हो, वो 10 बराबर एक पाकिस्तानी पंजाबी, ये पाकिस्तान में फॉर्मूला चलता है, ठीक है। वो 10 मरेंगे, ये एक मरेगा, तब जाके बराबर होगा, दे आर नॉट इक्वल सिटीजंस, ठीक है जी। अब 6 घुस गए मिलिटेंट, एयरफोर्स के ट्रेनिंग बेस था उसके अंदर घुस गए, और हेवीली आर्म्ड जिहादीज इंक्लूडिंग मल्टीपल सुसाइड बॉम्बर्स, एक तहरीक जिहाद पाकिस्तान है। अच्छा माफ करिएगा, मैंने बोला था कल रात का नहीं, आज सुबह का अटैक है, ये आज सुबह का अटैक है, अर्ली मॉर्निंग का, आज ही का ये लेटेस्ट। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने बोला कि हमने ये अटैक करा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बोला कि उन्होंने सीढ़ियां लगाई, ठीक है जी, जो एयरफोर्स में फेंस होता ना, दीवार के आगे फेंस होता है, सीढ़ियां लगाई, सीढ़ियों से छलांग उन्होंने मारी अंदर, और मल्टीपल प्लेन्स इनसाइड द पार्क, जहां पे पार्क होते हैं हैंगर के आसपास, वो कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिया, ठीक है जी, कई सारे जहाज इन्होंने उड़ा दिए हैं। और
तीन जो मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं, बाकी कॉर्नर हो गए हैं और ऑपरेशन चल रहा है। मुझे लगता है अभी तक खत्म ही हो गया होगा ऑपरेशन, जब तक आपको खबर मिलेगी। लेकिन ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट 3 से लेकर 6, एग्जैक्ट फिगर अभी तक नहीं आया है, 3 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और फ्यूल टैंक उड़ चुका है। ये रॉयटर्स ने भी कवर करी है न्यूज, और ट्रिब्यून और पाकिस्तान डिफेंस तीनों ने यह न्यूज कवर करी है। दोस्तों इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले कल की खबर मैं आपको दे देता हूं। ये तो एक अटैक है, ठीक है जी। अब इसका एक कल का अटैक क्या हुआ था, ये जो ये तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर, इसकी धमकी के बाद क्या क्या हुआ, ये मैं आपको पूरी स्टोरी सुना रहा हूं और स्टोरी बहुत जरूरी है कि आप समझें, ठीक है भाई साहब। 5 पुलिस वालों को खड़का दिया डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान कहां है दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर पठान रहते हैं। 5 पुलिस वालों को खड़का दिया और एक बम लगाया था, बम से 5 को उड़ा दिया, 21 घायल हैं, उसमें से 8 से लेकर 10 संगीन, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा जख्मी है, क्रिटिकल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं। और ये ऑफिसर थे केपी एलीट फोर्स, इसका नाम है केपी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की एलीट फोर्स थी, उसका नाम ही एलीट फोर्स है, उसके बंदे थे, वो बम वहां पे लगाया और इनको उड़ा दिया, ठीक है जी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, काकड़ जो है उनका केयरटेकर, उसने भी ऐसी गुनगुना सा आदमी है, वो गुनगुनी सी उसने बात कर दी। उसने बोला, थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वी हैव बीन थ्वार्टिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेररिस्ट्स। ये अनवरुल हक काकड़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान निहायत ही गधा किस्म का आदमी है, इसको 2 कड़ी की अकल नहीं है। थैंक्स टू द सैक्रिफाइसेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अरे लॉ एनफोर्समेंट वाले मर गए, आपको यह बोलना चाहिए कि मैं क्या एक्शन लूंगा उनके ऊपर जिन्होंने हमारे बंदों को मारा है, वो तुम्हारे बंदे फड़का के चले गए, तुम कह रहे हो कि थैंक्स टू देयर सैक्रिफाइसेस फॉर थॉटिंग द इविल इंटेंशंस ऑफ टेरर। ये एक लिखी दिखी इनका पीएचईए सेक्रेटरी एक लाइन लिख देता, कह रहा सर यही बकवास कर देना, उल्टी कर देना, वो उल्टी कर देते हैं मीडिया के सामने, बिल्कुल बेकार एक नंबर का। अच्छा पाकिस्तानियों सुनो यार, मैं तुम्हारे मुल्क के अंदर खून बह रहा है लेकिन तुम्हारा दिल धड़कता है गाजा के लिए, ठीक है। तुम्हारी चोरी, तुम्हारा फ्रॉड, तुम्हारी 420C, तुम्हारी मुनाफकत, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल की है। अगर मुनाफकत में ओलंपिक्स में कोई गेम होता ना मुनाफकत का, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड मेडल रिजर्व रहता, सिल्वर मेडल जाता पैलेस्टीनियंस को, लेकिन पाकिस्तानियों को गोल्ड मेडल। मतलब यार एक बात बताओ, मैं कई बार पाकिस्तानियों को कह चुका हूं कि तुम लोग फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है, फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे, तो दो ना जान यार, किसने मना कराया तुम्हें, 76 साल हो गए तुम अभी तक फिलिस्तीन नहीं पहुंचे यार, कौन सा रूट लिया तुमने, कौन सा गूगल मैप लगाया है कि तुम लोग 76 साल में तुम्हें मिला ही नहीं कि गाजा आया कहां पे, बस कराची में बैठ के, लाहौर में बैठ के बिरयानी खा के हम चले जाएंगे, हम जहाद कर देंगे, जिहाद भी नहीं बोल पाते तुम लोग, पाकिस्तानी पंजाबी इस कांड से जिहाद, जहाद कर देंगे, और जहाद करना है तो जाओ ना फिर यार, पता नहीं कौन सा गूगल इस्तेमाल कर रहा है। एनीवे, अच्छा जी अब ये बात हुई है, कली की बात है, 14 बंदे फड़का दिए इन्होंने, जो मिलिटेंट्स थे इन्होंने 14 बंदे फड़का दिए। 2 गाड़ियां चल रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की पसनी से लेकर ओरमारा, ये गवादर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी, ये भी पिछले 48 घंटे में हुआ है। टेररिस्ट ने इनको एम्बुश करा है और टेररिस्ट ने मारा है, 14 बंदे इनके मर गए हैं, पाकिस्तानी फौजी थे ये। फिर से अनवारुल हक काकड़ ने एक ट्वीट मारा है जिसमें लिखा है, द एंटायर नेशन इंक्लूडिंग मी इज प्राउड ऑफ इट्स मार्टर्स। ये इतना बेवकूफ आदमी है, पता नहीं यार पाकिस्तान ने ना पिछले अपने जन्म में कुछ तो पाप करे होंगे जो ऐसे लीडर पाकिस्तान को मिले। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ पाकिस्तानियों से मिला भी हूं, वो मुझे काफी टैलेंटेड लगे, काफी दिमाग से संभले हुए, लेकिन जब आपका लीडर गधा है ना, आप कितने बड़े टाइगर हो फिर आप भी गधे ही हो जाओ, आपकी गिनती गधों में शुमार हो जाती है। देखो इसके मैंने 2 ट्वीट पढ़ा, ये फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन बता ही नहीं रहे। अगर आप इसको बोलो चाइना चले जाओ तो टाई पहन के चाइना चला जाएगा, इसको बोलो अमेरिका चले जाओ तो टाई पहन के अमेरिका चला जाएगा, इसको बोलो कश्मीर पर बकवास करो तो कर देगा, बोला गाजा के ऊपर उल्टी करो तो वो भी कर देगा, खुद के मुल्क में क्या हो रहा है इसको। अरे यू आर काकड़ साहब, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चाहे तुम केयरटेकर ही हो यार, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, रोज तुम्हारे बंदे फड़का रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे, दिल इनका धड़कता है गाजा के लिए, और तुमने गाजा से वोट लेने हैं, तुमने गाजा में जाके वोट लेने हैं, पूरी कौम मुनाफिक, प्रधानमंत्री मुनाफिक, सब मुनाफिक, फिलिस्तीनियों के लिए दिल धड़कता है। अभी तक पहुंच नहीं, लंदन पहुंच गए ये, ग्रीस पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए लोग, है भाई अमेरिका पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए,
दुनिया में हर मुल्क में पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी फिलिस्तीन नहीं पहुंच पाया ना, इम्पॉसिबल, पहुंच ही नहीं पाया। इनको कुछ नहीं करना, लाहौरियों को इनको बकवास करनी है, बड़ी बड़ी मजलिसें, बड़ी बड़ी इनको फोरम्स में वहां पर बुलाना है, लाखों लोगों की भीड़ में उनको जोश दिलवाना है, उसके बाद जाके मुर्ग छोले खाने हैं, मुर्ग चने खाने हैं, बिरयानी खानी है, कोरमे खाने हैं, मीठा खा के सो जाना है इन लोगों, और इनका लाहौरियों का कुछ काम नहीं है। द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल, आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव, दे आर द मोस्ट अनप्रोडक्टिव पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, देयर ओनली प्रोडक्शन इज चिल्ड्रन, बच्चे दर बच्चे दर बच्चे दर बच्चे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अरे बढ़ाओ पॉपुलेशन, अच्छी बात है बढ़ाओ पॉपुलेशन, लेकिन काम भी तो करो, काम नहीं कर रहे बस। ये देखो तीन तीन अटैक हो गए, इनको पता ही नहीं। अच्छा दूसरा मिक्की आर्थर, ये पाकिस्तान की टीम का डायरेक्टर है, क्रिकेट टीम का, इसका नाम है मिक्की आर्थर, है ये गोरा लेकिन दिमाग अब इसका पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी में कन्वर्ट हो गया ये मिक्की आर्थर। अच्छा तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर है, अब मैं बताता हूं क्यों तुम्हारा नाम मोहम्मद आमिर है। ये कह रहा है यार कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की टीम वो जीत जाती, पाकिस्तान की टीम जीत जाती। आपको पता है पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं जीत पा रही? क्योंकि भारत ने हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी यार, हम क्या करें, हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी। मुझे तो ये लोग खुश होते हैं कि सिक्योरिटी मिली है, इनको दुख हो रहा है सिक्योरिटी मिली है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, ये फिर कह रहा है कि हाँ ज्यादातर जो सिक्योरिटी दी है भारत ने वो आईसीसी के कहने पे दी है, ये कह रहा है मिक्की आर्थर कि ज्यादातर जो सिक्योरिटी दी है भारत ने वो इसलिए दी है क्योंकि आईसीसी ने बोला है कि आप सिक्योरिटी, तो हर एक टीम के हिसाब से, थ्रेट लेवल के हिसाब से जो आईसीसी का लगा है, आईसीसी को जो हिसाब लगा है, जो पाकिस्तानी टीम्स को हिसाब लगा है उसके हिसाब से सिक्योरिटी दी है, और ये सब चीजें एडवांस में डिस्कस हो जाती हैं, एडवांस में डिस्कस हो जाती हैं, एडवांस में बातचीत हो जाती है कि बॉस ये स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है, हम आपको ये सब फैसिलिटीज देंगे, ये होगा, यहाँ पे रहेंगे, खाना यहाँ से होगा, डॉक्टर ये है, ये है, ये है, ये पूरा एक प्रॉपर चार्ट करा जाता है, महीनों दर महीनों दोनों लोग बैठ के बात करते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में बात होती है, पहला मैच यहाँ पे होगा, अगर आप जीत गए तो वहाँ पे होगा, यहाँ पे इस होटल में ठहरेंगे, ये आपको फैसिलिटी मिलेगी, जब अप्रूवल होता है तब जाके वहाँ से टीम फ्लाई इन करती है, प्रॉपर डिटेल में ये बातें होती हैं, उड़ी उड़ी बातें नहीं होती, प्रॉपर डिटेल में बातें होती हैं। अब इन्होंने करा गया भाइयों ने, मिक्की आर्थर यानी कि उर्फ मोहम्मद आमिर, इसने क्या करा है कि इसने ये बोल दिया कि इनकी परफॉर्मेंस इसलिए खराब है क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा है। हाँ आईसीसी ने मैक्सिमम सिक्योरिटी इनको वही दी है जो आईसीसी, लेकिन भारतीयों ने एहतियात के तौर पे एक एडिशनल सिक्योरिटी की रिंग इनको दे दी पाकिस्तानियों को। यार मुझे तो उनकी बात ही समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को चाहिए क्या आखिर। यार कोई कहता है कि इंडियंस के पास रूहानी बल्ला है, कोई कहता है पंडितों ने मंत्र मार दिया पिच के अंदर, कोई ये कहता है कि आईसीसी चुपके से इनको दूसरी बॉल देती है जो ज्यादा स्विंग करती है, सीम करती है। हाँ हसन रजा उनका क्रिकेटर, वो यही कह रहा था टीवी पे बैठ के कि कोई स्पेशल बॉल दे, अंपायर चुपके से जेब में निकाल के एक बॉल दे देता है जिससे कि मोहम्मद शमी विकेट ले लेता है। मुझे यार आई एम पता नहीं, देर इज समथिंग डीपली डिसफंक्शनल अबाउट दिस कंट्री एंड इट बॉदर्स मी एज अ नेबर। भारत इट्स आर इंडियोरिंग मिसफॉर्चून दैट वी हैव पाकिस्तान एज अ नेबर, बट दैट इज द रियलिटी, वी हैव टू लिव विद इट। ये कुछ है, दे हैव वेरी सिवियर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, दिस इंटायर नेशन ऑफ 25 crore कॉल्ड पाकिस्तान ना, इनके पास बड़ी सिवियर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है इनकी कुछ। और मिक्की आर्थर को भी, अब वो पाकिस्तानियों के बीच में रहता है बेचारा दिन रात, तो वो भी ऐसी बकवास करेगा जो नॉर्मल पाकिस्तानी करता। अब एक बात बताओ यार, ये कोई कहने वाली चीज होती है कि आपने हमें ज्यादा सिक्योरिटी दे दी? फिर ये कहता है कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमने आईपीएल नहीं खेला, ये भी उसका एक पॉइंट है। यार व्हाई डोंट यू जस्ट, तुम्हारे पास पाकिस्तान प्रीमियर लीग है ना, जो भी कहते हैं पीएसएल पीपीएल जो भी कहते हैं, आप लोग का लीग है, तो फिर आपको आईपीएल की क्या जरूरत है? आपका लीग है, आप अपने लीग में खेलो, किसने मना करा है आपको? आप ये क्यों नहीं कहते कि बाबर आजम नालायक है, नहीं आती उसको बल्लेबाजी? आप कहते हैं कोहली 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 के बराबर है, ये है वो है, आपके एंकर्स कहते हैं कि जब बाबर आजम आएगा तो पूरे भारत की टांगे का। ये पाकिस्तानी पंजाबी एक तो बोलते इतना है, इतना बोलते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, इनकी जबान जो है ना इतनी लंबी है भाई, जमीन पे ना ये पोछा लगाए इतनी जबान इनकी लंबी है, 5.5-6 feet की तो इनकी जबान है लंबी। हर चीज बुलवा लो इनसे, काम नहीं होता इनसे पाकिस्तानी पंजाबियों से, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, बुलवा लो इनसे, बकवासें करवा लो। अरे यार तुम क्रिकेट खेलो, तुम्हें मना करा है किसी ने? शमी बॉलिंग कर रहा है ना, मोहम्मद शमी, सिराज बॉलिंग कर रहा है, बुमराह बॉलिंग कर रहा है, मारो छक्का, किसने तुम्हें रोका है? किसने रोका है तुम्हें? मारो,
कोहली को आउट करो, रोहित शर्मा को आउट करो, खड़का दो विकेट उसका, रोका ही किसी ने तुम्हें? बॉल अलग सी थी, मंत्र पढ़ दिया, तावीज बांध ली, पता नहीं अजीब और गरीब यार, सम आई थिंक द इंटायर कंट्री नीड्स अर्जेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट. आई एम वेरी वेरी अपसेट. नॉट प्लेइंग आईपीएल इज अ डिसएडवांटेज. आईपीएल नहीं खेलने दिया, क्यों करते हो टेररिज्म यार? तुम्हें वर्ल्ड कप खेलने दिया, बहुत गनीमत है, ठीक है, पैर छूना यहाँ पे, थैंक यू बोल के जाना, वरना हम तो उस फेवर में नहीं थे कि तुम्हें घुसने दें भारत के अंदर. पता नहीं बाबर आजम के बल्ले के अंदर RDX, नोबडी नोज यार, इनका कोई भरोसा थोड़ा ना, आई डोंट ट्रस्ट देम. अच्छा जी, प्रिंस सलमान, क्रिकेट के बारे में एक न्यूज है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपने एडवाइजर्स को बोला है कि आप भारतीय सरकार से बात करिए. और डील ये है कि वो कह रहे हैं कि एक होल्डिंग कंपनी बनाइए जिसके अंदर आईपीएल को डालिए, राइट? इसका लगभग वैल्यूएशन $30 अरब का है आईपीएल का. देखिए आईपीएल जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स में से है, और उन स्पोर्ट्स लीग में से शामिल फुटबॉल क्लब्स, ठीक है जी, शामिल बास्केटबॉल की टीम्स, शामिल सब कुछ, उनमें से टॉप में आता है आईपीएल. अगर आप टॉप 5 टॉप 7 में लें, आईपीएल उनमें से आता है, ठीक है दोस्तों. अब और क्रिकेट का तो नंबर वन है ये, देखो आईपीएल वर्ल्ड में क्रिकेट से बड़ी कोई लीग है नहीं, आईपीएल से बड़ी कोई लीग है नहीं क्रिकेट में. तो मोहम्मद बिन सलमान कहता है कि $30 अरब का इसका वैल्यूएशन है, मैं इसमें $5 अरब डालना चाहता हूं, इसका स्टेक खरीदना चाहता हूं आईपीएल का. और मैं बता रहा हूं क्यों कर रहा है वो, उसका कारण क्या है. देखिए इसने वो रोनाल्डो और मेसी वैसी सबको लेकर गया था ना, आपको पता है सऊदी अरेबिया और सिटी बना रहा है, नियोम सिटी और स्पोर्टिंग, इसको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. एक तो मोहम्मद बिन सलमान को, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ, ये बड़ा कीन स्पोर्ट्समैन रहा भी है और इसको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है. इसका शौक, जो लोग मैं मिला हूं एक दो लोगों से अरबियों से, वो यही कहते हैं कि यार इसका जो शौक है ना, ये मोहम्मद बिन सलमान ये स्पोर्ट्स से, खेलों से ये ऑब्सेस्ड है, ये बहुत खेल देखता है पूरे दिन, या तो टीवी पे देखेगा या फिजिकली जाके देखेगा, इसको स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है. तो इसने बोला कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरी चीज है कि इनको पता है, यू नो मोहम्मद बिन सलमान इज अ विजनरी. मैं आपको बताता हूं, देयर आर मेनी क्रिटिक्स, पीपल हु क्रिटिसाइज मोहम्मद बिन सलमान, बट आई थिंक दिस मैन इज अ विजनरी. ये ऐसा बंदा है जो 50 साल आगे देख रहा है. ये नॉर्मल टाइप का विजन नहीं है इसका, ये 50 साल आगे देख रहा है. मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहा है कि यार तेल खत्म होने वाला सऊदी अरेबिया में, और जिस दिन तेल खत्म हो गया और हमने अपने जो खर्चे हैं या अपना मोड ऑफ अर्निंग रेवेन्यू है, अगर हमने इसको ठीक नहीं करा अभी, तो फिर से ऊंट पे मिलेंगे हम लोग, ये मर्सिडीज रोल्स रॉयस सब चली जाएंगी फिर से दोबारा. अभी भी 50 साल के बाद सबके सब पता लगा ऊंट पे बैठे हैं और भीड़ चरा रहे हैं. इसे ये नहीं होने देना, सऊदी अरब को ठीक डायरेक्शन में ले जाना है. ही वॉन्ट्स टू टेक सऊदी अरेबिया इन द राइट डायरेक्शन. और वो कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल हब बनाओ, सऊदी अरेबिया को फाइनेंशियल हब बनाओ, यहां पर थोड़े से फ्रीडम्स दो, यहां पर एंटरटेनमेंट लाओ सऊदी अरब में, ठीक है जी, यहां पे स्पोर्ट्स लेकर आओ. अब ये स्पोर्टिंग कैपिटल, जैसे दुबई है, दुबई हैज बिकम द एंटरटेनमेंट कैपिटल, बड़ी बड़ी फिल्मों के रिलीज दुबई में होते हैं, शूटिंग दुबई में हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग फाइनेंशियल हब बना रहे हैं. ये रियाद को और जगहों को फाइनेंशियल हब बना के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज सेइंग दैट सऊदी अरेबिया को पूरा का पूरा ना, इसका जो रेवेन्यू है तेल से आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो तेल से आ रहा है वो आप कहां पे लगा रहे हो, तो वो पूरा मॉडल चेंज करने के चक्कर में. तो उसने फुटबॉल क्लब्स खरीदे हैं, ये खरीदा वो खरीदा, बास्केटबॉल क्लब्स खरीदे सब. अब आईपीएल में पैसा डाल के मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहा है कि हमने आईपीएल में पैसा डाला है, हम आपके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाएंगे, वर्ल्ड के बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे. अब एक काम करिए, मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स का जो अगला मैच है वो रियाद में होगा. हबीबी शेखाती सब कुछ ले जाती है, ये बात है, ये उसका गेम प्लान है कि मैं पैसा लगाऊंगा, तुम लोग आओ और तुम लोग आईपीएल सऊदी अरब में खेलो, देखने दो लोगों को दुनिया भर में, फिर उसमें डिजिटल राइट्स हैं, ये हुआ दुनिया भर का. आईपीएल इज अ मनी मेकिंग मशीन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू डू. और मुझे लगता है कि इस बंदे का, मोहम्मद बिन सलमान का बहुत सॉलिड विजन है, ही इज अ विजनरी, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है. अच्छा, आखिरी खबर जो दोस्तों आज की है, इसके बाद मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स लूंगा. आखिरी चीज है कि जर्मनी ने सारी की सारी हमास रिलेटेड एक्टिविटीज बैन कर दी, और इंटीरियर मिनिस्टर नैंसी फेजर ने बोला है कि विथ हमास आई हैव टुडे कंप्लीटली बैन द एक्टिविटीज ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू डिस्ट्रॉय द स्टेट ऑफ इजराइल. द मिनिस्टर ऑल्सो इश्यूड अ प्रोहिबिशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन समिदून
an international network that spreads anti-Israel, anti-Jewish propaganda under the guise of Solidarity Organization. ये तो सारे के सारे radical Islamist यही काम करते हैं, दिन रात इनका काम ही यही है, यहूदियों को मार दो, यही, और इसके अलावा तो कुछ नहीं. अच्छा, हमास ने बोला कि ये गलत है, ये गलत है. हमास, तुम टेररिस्ट हो यार, तुम बकवास क्यों करते हो? मुंह मत खोलो, इसराइल तुम्हारे मुंह के अंदर मिसाइल मारेगा अभी. ठीक है, अभी भी तुम्हारे मुंह के अंदर मिसाइल जाती और पेट में जाके फटती, बहुत जल्दी होने वाला है. एनीवे, तो दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे. जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का. वो बात कर रहे थे पाकिस्तान के अफगान रेफ्यूजीज के बारे में, तालिबान के बारे में, पाकिस्तान के जो हालिया क्राइसिस हैं जो चल रहे हैं उनके बारे में, और इसका कुछ बैकग्राउंड उन्होंने बताया. और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जो भी इसका बैकग्राउंड था, और हकीकत भी यही है, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए. जब तक हम हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हम हमेशा से वहीं ही लटकते रहेंगे. दूसरा, उन्होंने बात की कि सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो आईपीएल में उसके कुछ स्टेक्स खेलना चाहते हैं, और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? $5 बिलियन. और $5 बिलियन तकरीबन पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं, और इतने पैसे वो सिर्फ आईपीएल में लगाना चाहता है. तो देखिए, अगर आप अब खेल खेलो और अपना यूनिट को इतना बड़ा बनाओ कि सारी दुनिया उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तरसे, जितने भी दुनिया के, देखिए यही चीज है वो, कि अब देखिए रोनाल्डो दुनिया का बेस्ट प्लेयर फुटबॉल का, मैसी दुनिया का बेस्ट प्लेयर, अब इनको कौन अपने मुल्क में खिला रहा है? सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया को पता है कि मैंने अपने लोगों के लिए आने वाले टाइम में क्या करना है. यहाँ के लोग बड़े कहते हैं बस तेल निकल आया, शेखों की अय्याशियां हो गई, शेख वैसे हो गए, वैसे हो गए, लेकिन नहीं, हकीकी तौर पर वो अपने लोगों के लिए एक ऐसा देश बना के छोड़ना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनके जैसे अब अय्याशियां कर रही हैं, कल को भी उनकी लाइफ ऐसे ही पुरसकून तरीके से गुजरे, उन्हें कभी भी रंदी मंदी ठंडी जैसे पाकिस्तानियों के साथ होता है या दुनिया के कई मुस्लिम देश हैं वैसा फेस ना करना पड़े. तो ये बहुत अच्छा विजन है, अपने लोगों का हर किसी को ख्याल करना चाहिए, और लीडरशिप जेन्युइन जो होती है ऐसी ही होनी चाहिए. तो वो $5 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है आईपीएल में, ये एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है. हमें आईपीएल सऊदी अरेबिया में होता हुआ नजर आएगा, हमें आईपीएल रियाज, जद्दा और दूसरे जो उसके बड़े बड़े शहर हैं वहां पे होता हुआ नजर आएगा. तो ये बड़ा ही अच्छा विजन है. मेजर साहब ने भी तारीफ की इस चीज की कि मोहम्मद बिन सलमान एक विजनरी लीडर है, वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, और पिछले चंद सालों से हमें करता हुआ भी नजर आ रहा है. लेकिन जितने भी रेडिकल माइंडसेट हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या कहीं और हो, उस पर खुल के तनकीद कर रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे तो नाच गाने हो रहे हैं, ये देखिए इसने सलमान खान को बुला लिया, ये देखिए ये तो शकीरा के डांस करवा रहा है वहां पे, ये देखिए ये इसने क्या क्या करना है. लेकिन उसको पता है कि उसने क्या करना है, वो फाइनेंशियल हब बनाएगा, और उसके लिए एक ऐसा वो शहर भी तामीर करेगा जो दुनिया का सबसे जदीद तरीन शहर होगा, और ये लोग आने वाले टाइम में देखेंगे, और उस पर काम भी शुरू हो चुका है. और दूसरी बात की गई, ये जो अफगान रेफ्यूजीज हैं जिनको हम निकाल रहे हैं, ये हमने एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने गले में ले ली है. और सही कहा मेजर साहब ने कि हम अपने लोगों को मरवाने, कटवाने और उनका बंदोबस्त करवाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वो पंजाबी या लाहौरी या जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा जो पाकिस्तान पे हुकूमत करने वाले लोग हैं वो शायद ऐसा ही सोचते हैं. उनकी नजरों में किसी भी आम इंसान की जान की कोई भी कीमत नहीं है, सिविलियन नहीं, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो किसी भी तल्लक रखता हो, कोई भी वैल्यू नहीं. क्योंकि अब जब हमने इनसे एक पंगा ले लिया है, जो बसे बसाए पाकिस्तान में रेफ्यूजीज हैं, जो यहाँ बसे भी हमारी अपनी कोताहियों और नहलियों की वजह से हैं, क्योंकि हमने वहाँ माहौल ही ऐसा कर दिया कि सबसे बेटर उनके पास था ऑप्शन कि पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में फिर अब उनके खानदानों के खानदान बन गए, और उनकी नई पीढ़ी आ गई. अब नई पीढ़ी जानती ही नहीं अफगानिस्तान क्या है, तो उनको जबरदस्ती जब भेजा जा रहा है तो उन पे भी ये एक अलग तरह का जुल्म सितम का बाजार गर्म है. और जो वीडियो सामने आ रही है, यकीन माने देखा ही नहीं जा रहा जितना उन पे जुल्म हम अपने तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वाले लोग अपने मुसलमान भ्राओं पे, अपने भाइयों पे, बहनों पे, बेटियों पे जुल्म कर रहे हैं, ये शायद हमें नजर नहीं आए. लेकिन फलस्तीन का दुख नजर आएगा, कश्मीर का दुख नजर आएगा, क्योंकि वहां हमने सिर्फ बातों की हद तक करना है. जहां अमलन कुछ करने की जरूरत है वहां हम उनको निकाल रहे हैं, लेकिन ये मुसीबत अपने ही गले ले रहे हैं. क्यों? आज मियांवाली पे अटैक हो गया एयरबेस पे, कुछ
हमारे जो एयर जेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया और कल कई दो तीन धमाके हो गए। अब ये रोजाना की बुनियाद पर ऐसी चीजें होंगी तो अल्लाह ही है कि पाकिस्तानियों का तो पहले भी, क्योंकि यहाँ ना कोई हुकूमत है, ना कोई डिफेंस सिस्टम है, ना ही कुछ ऐसा है कि एक आम बंदा सोचे कि मैं अपने आप को यहाँ महफूज तसव्वुर करता हूँ। तो चाहे तालिबान आके मार जाए, क्योंकि तालिबान उनको लेने के तैयार नहीं, वो भी खंजीर हैं और यहाँ वाले भी है कुछ ऐसे ही हैं, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हैं और बीच में मरेंगे कौन, वो आम इंसान। ये जो 30-35 लाख महाजिर हैं इनमें से अगर लाखों भी इस अपने घर बार से लुट गए तो कौन है जो उनके, आम सी बात है अगर मैं सोचूं कि मेरे पास घर है और कल ही मुझे पता पहले तेरा मारा घर गया, मैं इसको गिरा दिया जाएगा, तो तुम जाओ किसी ऐसे देश में जहां कभी ना तुम्हें रहन सहन का पता हो, ना तुम्हें वहां के किसी भी चीज का पता हो, लेकिन सिर्फ ये हो कि वहां तुम्हारा वहां से कोई उठ के यहाँ पे आ गया था और कारण भी तुम्हें थे, तो उस पर क्या गुजरेगी या सोच कर और इमेजिन करके ही रूह कांप जाती है कि कितना मुश्किल है मरहला, लेकिन ये हो रहा है। जैसे वो तुर्कम बॉर्डर पे अब वीडियो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, जैसे वो निकाल रहे हैं उन्हें वहां पे, जैसे वो रश लगा हुआ है। एक मेरा इधर एक अफगानी दोस्त, उससे काफी अच्छा ताल्लुक था, वो मुझे मिला, वो मुझे कहने लगा कि भाई बाबर ये देखो बात ऐसे है कि हम मेरे दादा परदादा से हम यहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, अब यहाँ हमने बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के कमेटियां डाल डाल के हमने एक किराने की दुकान खोली है कि कारोबार हमारे घर का एक सिलसिला चल सके। हमने मकान इधर यानी कि एक मकान खरीदा, पहले वो रेंट पे रह रहे थे इतने साल, उन्होंने अपना मकान ले लिया, वो कह रहे हमने कितनी मुश्किल से मकान लिया ये हमें पता है, हमारे खुदा को पता है, और हमने ये दुकान डाली है, कैसे अपने पेट पे हाथ रख के पेट काट काट के हमने ये पैसे जोड़े हैं और फिर हमने ये किराने की दुकान डाली है। अब ये हमें कह रहे हैं कि अचानक हमें कह दिया कि चलो भाई अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और वहां चले जाओ जहाँ पे हमने कभी जाके देखा ही नहीं है कि भाई अफगानिस्तान है कैसा। हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ हमने परवरिश पाई, हम जवान यहाँ हुए हैं और अब हमें जाना पड़ रहा है अफगानिस्तान, तो जहाँ हमें कोई जानता ही नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता हमारे रिश्तेदार अफगानिस्तान में कहाँ रहते हैं, और हमें अब वहां भेजा जाएगा, ये जुल्म नहीं है, ये ज्यादती नहीं है। फलस्तीन में जो हो रहा है वो इन्हें लग रहा है भाई मासूम फलस्तीनी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये जो खुद कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ वो इनको कोई एहसास नहीं है, कोई नहीं है देखने वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बस ये है कि बस ये एक आर्डर आ गया कि इनको भाई यहाँ से निकालो और सभी यहाँ से चले जाएं भाई, और अब आपसे हमारा कोई तल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, पहले तो सब कुछ था, अब जब वो कल धन आना बंद हो गया तो तब सब रिश्ते खत्म हो गए हैं। बिल्कुल जी मेजर साहब ठीक है, इनके रिश्ते तभी थे कि जब तक वो डॉलर आ रहे थे, जब डॉलर बंद हुए हैं तो ये रिश्ते भी खत्म हो गए भाई। तो भाई ऐसे थोड़ी जजीरे खरीदे जाते हैं, ऐसे थोड़ी जो है ना हाँ ये तो बात है, ऐसे थोड़ी पापा जॉन्स बन जाते हैं। चीज ये है कि यही वजह है कि आज देखिए हमारा सिर्फ एक ही सेक्टर जो है ना वो तरक्की कर रहा है। आज देखिए पिछले 70 सालों में कोई एक वर्ल्ड लेवल का जो है ना प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर सके। अगर कोई प्रोडक्ट हमने वो प्रोड्यूस की है तो वो सिर्फ यही है कि दहशतगर्द हमने पैदा किए हैं और ऐसी तंजीमें पैदा की हैं जो इस चीज को प्रमोट करती हैं। हमने कभी भी इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम कोई एक चीज, कोई एक इंडस्ट्री किसी एक फील्ड में कह सके कि पाकिस्तान ने ये कमाल कर दिया, सिवाय इस एक चीज के जो हमारे माथे के ऊपर काला धब्बा लगा हुआ है तो चेहरे के ऊपर, तो इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं। देखिए अब वहां पे देखिए उधर भी जो है हम सिर्फ फलस्तीन का दुख हमें क्यों नजर आ रहा है कि हम वो तमाशा करेंगे तो हम फिर उसके ऊपर भी डॉलर इकट्ठे करेंगे। बहुत सारी तंजीमें आप देखिए अमदाद तो उनको जा नहीं रही किसी भी तरफ से, ठीक है, अब यहाँ में इमदाद इकट्ठी की जा रही है, लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठे किए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अय्याशियां होंगी उन चांद खानदानों की। तो यही वजह है कि हम सिर्फ मजहब के नाम के ऊपर सिर्फ तमाशा लगाया हुआ है, अपना अपना कारोबार किया हुआ है और कुछ नहीं। और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा क्रिकेट के ऊपर देखिए दुनिया कहां से कहां जा रही है, और हमारे आज के भी क्रिकेट में कह रहे हैं जी वो विकेट चेंज हो जाती है, हमारी जो बॉल जाती है उसमें डिवाइड हो जाता है, केमिकल फेंक दिए जाते हैं, गुदाम द्रुत पड़ के फेंक दिया जाता है, लेकिन उसी इंडिया में उसी के ही एक ब्रांड के ऊपर IPL के ऊपर जो है ना वो मोहम्मद बिन सलमान जो है $5 बिलियन, आप $1 बिलियन के लिए पिछले जो है कटोरा 20 माह से कटोरा लेके फिर रहे हो और $1 बिलियन जो है ना वो आपको इश्यू हुआ और आपने हर चीज गिरवी रख दी, लेकिन
आप अपने एक ऐसा ब्रांड नहीं बना सके कि दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर सके कि देखिए आप ये भीख मांग रहे हो, भीख मांगने से आपको 1 बिलियन नहीं मिल रहा, तो मिला भी बड़ी मुश्किल से सब कुछ गिरवी रख के, तो वहां पर देखिए कि वो खुद कह रहा है कि भाई मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो मुसलमान भराओं के जो पीएस सेल है उसमें उसने नहीं किया, नहीं किया। बड़ी सोचने की बात है कि मुसलमान भराओं बड़ा हमदर्दी भी है ये वो, लेकिन हकीकी बात अगर देखें तो तुम्हें ना कोई टैलेंट है, ना कोई काबिलियत है, ना ही तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसे दुनिया देख के कहे हाँ यार इसमें भी पैसा लगाओ, यहाँ भी कुछ काबिल लोग रहते हैं। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।